मौसम में थोड़ा सा बदलाव आते ही लोगों की तबीयत खराब होने लग जाती है और सबसे पहले तो सर्दी जुकाम हो ही जाता है। इस मौसम में लोगों को खांसी जुकाम और बदन दर्द की बड़ी समस्या होती है। कई लोग सर्दी जुकाम से परेशान होकर आमतौर पर मेडिकल स्टोर में आसानी से मिलने वाली दवाइयाँ ले लेते हैं। इन दवाइयों से राहत तो मिलती है लेकिन इनका ज्यादातर इस्तेमाल सेहत के लिए अच्छा नहीं होता और नुकसानदेह साबित हो सकता है। इन सबसे बचने के लिए आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताने जा रहे हैं जिसे अपनाने के बाद आपकी सर्दी जल्द से छूमंतर हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं वो कौन से नुस्खे हैं जिससे आपकी सर्दी जुकाम कैसे खत्म हो जाएगी। तुलसी और अदरक को सर्दी जुकाम के लिए रामबाण माना जाता है। इसके सेवन से इसमें तुरंत राहत मिलती है। गर्म पानी में तुलसी की 5 पत्ती मिलाएं, उसमें अदरक के 1 टुकड़े को भी डाल दें। उसे कुछ देर तक उबलने दें और उसका काढ़ा बना लें। जब पानी बिल्कुल आधा रह जाए तो इसे आप धीरे धीरे पी लें। यह नुस्खा बच्चों के साथ बड़ों को भी सर्दी जुकाम में राहत दिलाने में असरदार साबित होता है। यदि सर्दी जुकाम है तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है। आप पानी पिए लेकिन ठंडा पानी पीने से बचें। आप नारियल पानी पिए, यह फायदेमंद होता है और इसमें ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद होते हैं जो शरीर को हाइड्रेट रखते हैं। शरीर में पानी की कमी नहीं होती। नींबू और शहद से के इस्तेमाल से सर्दी और जुकाम में फायदा होता है। 2 चम्मच शहद में 1 चम्मच नींबू का रस, 1 ग्लूकोज गुनगुना पानी या फिर गर्म दूध में मिलाकर पीने से इसमें काफी लाभ होता है। आजकल दूध के साथ खजूर उबालकर पीने से सर्दी जुकाम में राहत मिलती है। सर्दी जुकाम में तुलसी का प्रयोग काफी फायदेमंद होता है। तुलसी की पत्ती का काढ़ा बनाकर पीने से सर्दी दूर होती है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।